हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय टू दोस्तों. मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक चैनल में योर सेल्फ यूनिक. कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि जॉब पा चुके होंगे, बट जॉब में एक सैलरी होगी ना आपकी, किसी की 10 होगी, किसी की 15, किसी की 20, किसी की 25, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40. होप सो अप्रोक्स इसी के आसपास ही लोग होंगे, मैक्सिमम 20 से 30 के बीच में होंगे. अब आपके जो भी जॉब कर रहे हो उसके ऊपर एक कैप लगने वाला है, मतलब आपकी सैलरी धीरे धीरे कम होने वाली है. 25,000 तक सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उसके बाद जो सैलरी होती है ना, इंक्रीमेंट कंपनी सोच समझ के करती है, 10% 20% के हिसाब से करती है. आपको 40 तक पहुंचने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं, अगर अच्छी कंपनी है तो कम से कम 5 साल तो लग ही जाते हैं, और स्ट्रक्चर की प्रोफाइल है तो चलिए मान लीजिए 4 साल. चलिए, अब एक कैप लग गया आपके सैलरी पर कि अब धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा. लेकिन क्या आप में से ऐसे लोग हैं जो थोड़े ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, जिनके माइंड में थोड़ा अलग टाइप का ड्रीम है कि यार मुझे भी एक अच्छी सी कार में चलना है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है और मुझे अपने लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से जीना है, ऐसा है कि आपके माइंड में होना चाहिए. मैं नहीं करूँगा, आपके रियलिटी में होना चाहिए. रियलिटी में कैसे होगा, इस वीडियो में 100% आपको उसका आंसर मिल जाएगा. सो ऐसे लोग जो कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है. जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो इसको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट नहीं है, दे कैन स्किप दिस वीडियो. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी. वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि का 2 दिन का यूनिक सिविल एप्लीकेशन पर ऑफर आया हुआ है, जिसमें लगभग सारे कोर्सेज आपको 50% ऑफ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रोफेशनल लेवल पे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, विद स्टडी मटेरियल, विद आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के साथ आपको सब कुछ मिल जाता है. तो अगर आप लोग में से ज्यादा, और हम लोगों ने जो फी रखा है मुश्किल से 1,500, 2,000, 3,000 के ऊपर कोई फी नहीं रहेगी आपके, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो. बाकी आप स्टार्ट करते हैं वीडियो का मेन सीरीज. गाइस, स्टार्टिंग के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपको जॉब लगती है तो आपको कुछ दिन तक तो बहुत हैप्पी फील होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कहा केवल आपको, मुझे भी हुआ था. और हैप्पी फील होने के बाद धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंट होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी सैलरी का भी ग्रोथ होने लगता है, हमको लगता है कि ओके. बट मैं 100% आपको बता दूं कि ये ग्रोथ सफिशियंट नहीं है, क्योंकि हर साल महंगाई के एवरेज ले लो तो 7% के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, और आपका जो जिस भी जॉब सैलरी जॉब में हो वहां पर 10% की इंक्रीमेंट हो जाएगी. अब जब आप देखोगे 1 साल 2 साल तो चलेगा, 3 साल चलेगा, इसके बाद आपका जो खर्च का लेवल है वो महंगाई के लेवल के हिसाब से बढ़ता जाएगा, प्लस खर्च भी बढ़ता जाएगा. आपका मैरिज होगा, मैरिज के बाद आपका आगे का हनीमून मनाने जाओगे, क्या क्या करोगे, आपके प्रोसेस है, ठीक है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सबके खर्चे बढ़ जाते हैं. तो अब ऐसे लेवल पे आप अगर पहले से तैयारी कर लो कि ऐसा लेवल मेरा आने वाला है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप चुटकी में गेम खेल सकते हो और कुछ बेहतरीन कर सकते हो आफ्टर 4 to 5 years, ठीक है. मैंने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए थे इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं, वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गाइस. अब क्या कर सकते हो आप, सपोज आप एक ड्राफ्टमैन की जॉब पा जाते हो. किसकी जॉब पा जाते हो? ड्राफ्टमैन की जॉब पा जाते हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं. अगर ड्राफ्टमैन की जॉब पा रहे हो तो क्या आपको कितना टाइम लगेगा कि आप रेविट या फिर स्केचअप या 3ds Max को अपग्रेड कर लें? सच सच बताइए तो 1 महीना सफिशियंट है, 1 month ही सफिशियंट कि रेविट 3ds Max या स्केचअप में से कोई भी एक प्रोग्राम तुम अच्छे से सीख लो. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. अब आपने सीख लिया, आप जॉब में हो ना, जॉब के साथ क्या सोशल मीडिया नहीं चलाते हो, या फिर आपके क्या दूसरे इंजीनियर से कॉन्टेक्ट नहीं है, इंजीनियर मीन्स आपके दोस्त, आपके दोस्तों से कॉन्टेक्ट नहीं है? आप लोग के सर बहुत हैं, दोस्तों से हैं, सीनियर से हैं, जूनियर से हैं, क्लास के टीचर से हैं, है ना, तो उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्ट को नजदीक लाओ. जॉब तो कर ही रहे हो ना भाई, उनको नजदीक लाओ, हाय हेलो थोड़ा उनसे बढ़ाओ, और फिर उसके बाद धीरे से उनको एक सर्विस अपनी बता दो कि मैं ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग का काम करता हूं, यार अगर तेरे पास कोई साइड बाई साइड काम आएगा ना, 50 तू रखियो, 50 मुझे दे दियो. वो लड़का खुश हो गया, क्यों? क्योंकि उसको इस चीज का स्किल के बारे में पता नहीं था, ये स्किल तुम्हारे पास है. वो बोलेगा फ्री का 50%, मुझे तो मजा आ रहा है. वो फटाफट काम ले आएगा और तुमको देगा. ऐसा नहीं कि सारे लेके आएंगे, 100 में से 10 लेके आएंगे, 100 में से 10, 100 कॉन्टेक्ट लगभग सबके नियर अबाउट होते हैं. आप चेक करके देखना, कोई भी इंसान होगा इतना तो फैमिलियर होता है कि 100 लोग उसके आसपास होंगे. मैं 10 की बात कर रहा हूं, 10 लोगों ने अगर उसको काम दिला दिया
दस लोगों को क्या लग रहा है, बेवकूफ है, 5,000 के काम में 2,500 तो मुझे दे दिया, 2,500 में काम कर रहा है, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि आप एक से थोड़ी करवा रहे हो, आपके पास और 9 लोग हैं जिनसे थ्रू काम आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका काम बढ़ने लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, साइड बाई साइड इवनिंग में करना है, मॉर्निंग में करना है, थोड़ा जग लो ना यार, बड़ा करना है तो थोड़ा जग लो। अब क्या हुआ, आपने धीरे धीरे अपग्रेड करना स्टार्ट किया और अभी आपकी स्टार्टिंग का जो प्राइस था एकदम लो रख दो, एकदम लो मतलब 2,000 रुपए रख दो, लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी आपकी बढ़ती जाए आप अपना प्राइस अपने हिसाब से सेट कर लो कि मुझे इतने भी घंटे के लिए इतना चाहिए, यू कैन डू दैट। कितना आसान है। और अभी आप क्या करो, जॉब के अपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, और यहाँ पर आपकी फ्रीलांसिंग एकदम स्ट्रांग होती चली जा रही है। कैसे, क्योंकि आपने 10 लोगों को रेफर किया, ठीक है, 10 लोग सपोज आपको बोल दिए कि मैं भाई आपको काम दे रहा हूँ, 10 हो गए, 10 लोगों ने 10 क्लाइंट दिए, आप उन 10 क्लाइंट से बात कर लो, भाई अब तुम भी अगर मुझे काम दोगे तो 50% डायरेक्ट मिल जाएगा। अरे यार खुश हो गए वो 10। अब उस 10 में से क्या हो गया, मान लो कि तुम्हें 5 लोगों ने बोला मैं दूंगा, 10 वो पहले के थे, 5 और हो गए, 15 क्लाइंट तुम्हारे हो गए, और इन 15 क्लाइंट एक एक क्लाइंट अगर दे दिया तो कितने क्लाइंट हो गए, 15 क्लाइंट और हो गए हैं आपके पास, मतलब टोटल आपके पास 30 क्लाइंट हो गए, और 300 क्लाइंट को आप फिर से ऑफर कर दिए कि भाई हम ये देने वाले हैं, मैं कहता हूँ 30 नहीं 20 को आपको देने वाले हैं काम, 20 अगर काम देने वाले हैं तो 20 कितने देंगे, 40 दे देंगे, और 40 ऐसा नहीं कि सब एक ही एक काम देंगे, काम बढ़ाते भी रहेंगे, कुछ लोग ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो 40 रहेंगे, फिर 60 रहेंगे, फिर 100 रहेंगे, फिर 80 रहेंगे, मतलब आगे इंक्रीज होता चला जाएगा, 100 का 80 नहीं आएगा, 100 का 120 आएगा। आपका काम धीरे धीरे प्लानिंग के साथ मॉडलिंग दोनों चीज अपग्रेड हो चुका है और आप परफेक्ट हो चुके हो, आप 3D मॉडलिंग में और प्लानिंग में। आपने बोला भाई इतने में काम नहीं होगा, अब हम थोड़ा बड़ा और करेंगे, रुकना मत, ठीक है, थोड़ा और बड़ा करेंगे। क्या बड़ा करेंगे, अभी जॉब चल रही है, जॉब को डिस्टर्ब मत करियो, मैं आपको समझदारी बता रहा हूँ, मिडिल क्लास में अगर जॉब छोड़े ना, घर वाले सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे आपको पता है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद स्टैट्रो आइडिया कहीं से भी अच्छे जगह से आप सीख लो, ठीक है, या फिर बहुत से लोगों को ऑफर आते रहते हैं, उन ऑफर से उनके कोर्सेज ले लो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो आप सीख लो। अब क्या हुआ, आप सेम, आपके पास नेटवर्क तो बन ही चुका है, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, आपके फेसबुक के थ्रू नेटवर्क तो बन ही चुका है, अब क्या कर लो, उनको बता दो भाई स्ट्रक्चर की भी सर्विस अपन देने लगे हैं, अब तुम स्ट्रक्चर का भी काम ला सकते हो। लोग खुश हो गए, आपने प्लानिंग, मॉडलिंग और स्ट्रक्चर तीनों काम देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को भी अच्छा बेनिफिट मिलने लगेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको लगेगा यार ये बंदा हमारा काम करने दे देता है, क्या दिक्कत है, करो ना। अब क्या होगा, आपको महीने में 20 काम 15 काम 20 काम 15 काम आने लगेंगे, इसको करने में कम से कम आपको 4 से 5 साल लगेगा। 15 काम अगर आ रहा है और एक काम से आपको 3,000 रुपए की सेविंग हो रही है तो कितना पा रहे हो आप, 45,000। जॉब से आपको कितना आ रहा है, 25,000। अब जो आपको बोलो नमस्ते, जॉब गया नमस्ते में, अब क्या हुआ 45 तो आ रहा है ना भाई, अब जॉब का जो 9 घंटा तो अभी इसमें डाल दो भाई, अगर जॉब का 9 घंटा अगर इसके अंदर डाल दोगे ना, ये आप लोग सोच रहे होंगे सर इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, मैंने ये किया हुआ है और मैं ये कर रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैंने जॉब छोड़ा मेरा 9 घंटे एकदम टोटल सेव हो गए, अब मैं और लग गया, स्टार्टिंग में मैं 4-5 घंटे करता था, फिर 9 घंटे और जैसे जुड़े काम अपने आप अपग्रेड लेवल पर चला गया, और अभी कॉन्टैक्ट ज्यादा हो गया, लोगों से मिलना ज्यादा हो गया, मिलते मिलते क्लाइंट ज्यादा हो गया, अभी मैं दूसरी जगह ट्रिप कर लेता हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ आपकी सिटी में मिल लेता हूँ, अभी धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ने लगे हैं, और ये क्लाइंट ऐसा नहीं कि अभी इतने ही रहेंगे, आगे और अपडेट होते चले जाएंगे। आपको प्लानिंग आ रहा है, मॉडलिंग आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है, स्किप कर दो नया जॉब, अब क्या प्रॉब्लम है आपको, अब आप महीने का 70-80 हज़ार स्टार्टिंग में सिविल में कमाने लगेंगे। अब आपको लगता है मेरे पास काम ज्यादा आ रहा है, नए बच्चों को हायर करो उनको रोजगार दो, ठीक, नए बच्चों को हायर करो उनको रोजगार दो, मेरे पास 3 लोग हैं अभी, वो तीनों बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर, मेरी कोशिश है कि मैं 30 से 30 करूँ, 30 से 300 करूँ, लेट्स सी कितना होते हैं। मतलब आपको अगर स्टार्ट करना है अपना जॉब, तो आज जॉब के साथ अपना एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये मत वेट करो कि हम 5 साल जॉब करेंगे उसके बाद जॉब का नमस्ते बोलेंगे, फिर फंडिंग का प्रोग्राम करेंगे, किससे फंडिंग ले सकते हैं, फिर फंडिंग लेके फिर स्टार्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बिजनेस में। मैं आपको बता दूं फंडिंग नाम की कोई चीज की जरूरत नहीं है गाइस, डिजाइनिंग का काम आराम से किया आप, इनकम सोर्स इकट्ठा कर लो एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए, इसके बाद साइड का एक काम ले लो, काम लेके उसको धीरे धीरे क्या कर दो, विथ मटेरियल विदाउट मटेरियल पहले कर लो, अगर बजट नहीं है तो विथ मटेरियल करना स्टार्ट कर दो, कितना लगेगा आपको, काम होता जाएगा, फंडिंग मिलती जाएगी, फंडिंग कौन दे रहा है, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा आपके पास, धीरे धीरे जाओ ना, इन्वेस्टर नहीं आ रहा, आपका जो क्लाइंट है जिसका बना रहे हो आप वही आपको देगा,
बस अपग्रेड करते चले जाओगे, फिर विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन करते चले जाओगे, बाद में आपको इंटीरियर में घुसना है, इंटीरियर में घुसो, एक्सटीरियर में घुसना है, एक्सटीरियर एस्टिमेशन देना है, एस्टिमेशन सब आप ही दोनों, यार क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से बहुत इजी पाथ है अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कि आप अपना खुद का कुछ बड़ा कर सकते हो गाइस, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये उसके लिए जो अपने माइंड के लेवल को थोड़ा बड़ा सोचता है, प्लस जिसका नेटवर्किंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कैपेसिटी है, ठीक है, क्योंकि आप अगर 100 लोग आपके रेफरेंस में है तो भाई 100 लोगों को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अभी मेरे पास लगभग यूट्यूब पे कितने 25,000 लोग हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर डेली 600-700 मैसेज आ जाते हैं। अब मजाक तो है नहीं कि 600-700 मैसेज, लेकिन मैंने आइडिया निकाला हुआ है कि आधे घंटे डेली डाउट लेक्चर फ्री दे देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट जिनको लगता है कि नहीं सर से बात करके मेरा काम हो जाएगा, वो लोग उस आधे घंटे में आके डिस्कस कर लेते हैं 9:30 से 10 में, मेरा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी कंप्लीट गाइडेंस अगर आपको चाहिए, इन द सेंस प्लानिंग, मॉडलिंग और स्ट्रक्चर, तीनों चीज आपको बेहतरीन लेवल पे आ जाए, तो उसके लिए इस नवरात्रि में आपका एक गिफ्ट है। मैं स्टार्टिंग बताया था ना कि ऑफ है, तो ऑफ में इस बार अगर आप ऑल इन वन कोर्स लेते हो तो ऑल इन वन कोर्स में प्लानिंग भी है, मॉडलिंग भी है, स्ट्रक्चर भी है, कंप्लीट प्रोफेशनल लेवल है। बहुत से बच्चों ने लिया हुआ है, खुद ही बताएंगे उनकी खुद की राय, आप भी लेके अपना बेनिफिट उठा सकते हो। अप्रॉक्स 3000 में 9 स्किल्स अपग्रेड हो रहा है भाई, 9 स्किल्स मतलब कुछ भी, कहीं और किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे मॉडलिंग करूं या फिर मेरा मॉडलिंग करके दे दो, आप सब कुछ उसी 9 स्किल्स में कर सकते हो। और 9 स्किल्स मतलब क्या क्या है, उसमें प्लानिंग है मतलब ऑटो कैड है, फुल रेरा वगैरह सब कुछ, वास्तु साइंस वगैरह सब कुछ, आपका एनालिसिस है, एनालिसिस में विंड सेस्मिक सब लगा के स्टैट प्रो पे, ईटेक पे, आरसीडीसी पे, सेफ पे, इन चारों पे स्ट्रक्चर का फुल गाइडेंस है। इसके बाद मैनुअल और एक्सेल भी बता दिया है। लो भाई, अब इसके बाद क्या किया है, आपको रेविट दे दिया जिससे मॉडलिंग कर सको, रेविट स्ट्रक्चर दे दिया डिटेलिंग कर सको, रेविट एस्टिमेशन दे दिया जिससे कि आप एस्टिमेट कर सको कि कितना खर्चा आ सकता है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए गाइस। 9 स्किल्स आपको ओनली 3000 में 2 डेज के लिए मिल जाएगा, बाकी वैसे भी 6000 ही है, आप बाद में भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत। अब मेरा यही एम है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, सोलोप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना, उसके लिए जो जो आपको हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट करो, जो जो आपको नहीं समझ में आता कि क्या कैसे करूं सर, आप कमेंट करो, हम उसका सलूशन देंगे, क्योंकि मेरा एम ही यही है कि ढेर सारे एंटरप्रेन्योर, ढेर सारे सोलोप्रेन्योर स्टैंड करें इंडिया में, तो जो बड़े बड़े मठाधीश है वो टूटते जाएंगे और छोटे छोटे थोड़े ऊपर आते जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।